फेडर आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आप स्क्रीन पर, अगर आप नहीं देखने को मिलता आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस दिन, जैसे आप लोग अपना सैमसंग फोन है कोई फ़ोन को डिवाइस में जाते हैं आप लोग उस फिंगरप्रिंट को लगाना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट हटाना चाहते हैं जिसे वहाँ टच कर तो आप इस टेंडर फेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों आपको सैमसंग फोन में देखने को मिलता है और रेडमी रियलमी देखने को मिलता है। तो मेरे पास रेडमी का फ़ोन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेडमी का फ़ोन है तो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसा फिंगरप्रिंट लगाना है इस वीडियो में आप लोग को बताने चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को यहाँ आपको सबसे हम शॉर्ट टिप जहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ठीक में हमको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे आपको शॉर्ट में सबसे पहले आपको नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है रीस्टार्ट योर डिवाइस, मतलब ये बोल रहा है कि अपना फोन को एक बार दोस्तों फोन को स्विच ऑफ करें, स्विच ऑफ करने या फोन को आप लोग रीसेट कर दें या आप लोग पहले आप लोग ऑन ऑफ करके देख लेना प्रॉब्लम सॉल्व होता है ठीक है, नहीं होता तो इसके लिए यहाँ से आप लोग को बैक आ, जैसे हम बैक आ सबसे पहले आप लोग को बैक आ जाना आपको सेटिंग सेशन पे आपको कुछ लेना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले अगर फोन को आपको अपडेट माना तो फोन को आप लोग को अपडेट करना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टच करेंगे कोई फोन हो सीख लिया अगर आपको अपडेट माना सीख लिया से डाल आप फोन को अपडेट कर सकते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इतना करने आपको नीचे आ जाए, जैसे नीचे आ जाएंगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नीचे वो देखने को मिलेगा ऐप का ऑप्शन, आप इस पर आप लोग को टच करें, नीचे आप लोग देखने को मिलता है मैनेजर ऐप, इस पर आप लोग को टच करना, जैसे आप इस पर आप लोग टच करें तो आप लोग पूरा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको सेटिंग देखने को मिलना, जैसे आपको थ्री डॉट के आइकन पर टच करना, सो ऑल ऑफ सेक्शन पर आप लोग चले जाना और सिंपली आपको सर्च करना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, FINGER फिंगरप्रिंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिंपली आपको फिंगर जैसे हम फिंगर इतना लिखेंगे तो दो आएगा फिंगरप्रिंट टेस्ट और फिंगरप्रिंट सर्विस, सिंपली इसको क्या करें सिंपली दोनों को दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर कैच करना, फेस स्टॉप करना, क्लियर स्टोरेज करना, इस पर टच करेंगे क्लियर कैच क्लियर ऑल डाटा करना दोनों में करना, इतना करने आपको यहाँ से बैक आ जाना, बैक आने दोनों में टेस्ट में भी करना इसमें भी सेम उसे करना, इतना करने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इतना करने प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा फिर, क्योंकि बोला फोन को आपको रिस्टार्ट करना आपका डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहा है और इतना करने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फोन एक बार तो फोन को आप लोग दोस्तों रिसेट करेंगे, आपको कोई डाटा अपडेट नहीं होता तो आप लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ से देख के आप लोग फोन को रिसेट कर देंगे तो आपको 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप वीडियो को हेल्पफुल लगा, तो मैं सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देखिए फिर तक वीडियो पहुँच रहता है फ्रेंड।